जानकारी होगी ना कि जितना अंदर डाक रहे हैं उतना ही अच्छा है। आपके यहाँ से ये इधर के गली में जो लेवा है इस गली में जो है इस गली में सुंदर लेकिन आप विजुअल्स पे ले लीजिए। हाँ चल लो। तैयारी 8:52 हुए सर। क्या कर रहे हो? लाइव लेकर बता दीजिए कि हम यहाँ पर हैं और सब तैयारी। बता दिया सर। आप सर बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं बोल। हम बोल चुके सर, हमने बता दिया सर। अरे हमारे यहाँ नहीं चलता। सर वो आज अगर दिक्कत आएगी जलाने तो इसमें है और तो पूरी है। दिया जलाने में ही सर 3 मिनट लग जाएंगे। हाँ क्या सर हुआ? 8:54 हुआ।
चैनल पे आ रहा है।
सर ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में 130 करोड़ लोगों की एकजुटता का प्रदर्शन अभी हम लोगों ने एक एक दीप जलाने के इस आह्वान के साथ देखा है। सचमुच कोरोना वायरस के खिलाफ जिस लॉकडाउन की कार्रवाई को पूरे देश के अंदर हरेक तबके के लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, वह भारत की एकजुटता और दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। आज का जो प्रत्येक व्यक्ति ने रात्रि 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक का दीप प्रज्वलन का, मोमबत्ती प्रज्वलन का, टॉर्च या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रधानमंत्री जी के प्रति और देश के प्रति दिखाने का जो कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन की कार्रवाई जब तक चलेगी, वे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरीके से इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तब कोरोना के खिलाफ हम इस लड़ाई को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज इस दीप प्रज्वलन के इस अभियान में सहभागी बनने वाले सभी प्रदेशवासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।